हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, यहाँ पे फाइनली एक बिग अपडेट आ रही है जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। यहाँ पे जो नई पोस्टें निकाली गई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, बम्पर वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो यहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो यहाँ पे पोस्ट फिल की जानी है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, तो पूरी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन देंगे आपको, कितनी वैकेंसीज रहने वाली है सब्जेक्ट वाइज और कब से आपके फॉर्म फिल होंगे, लास्ट डेट कब रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट और फॉर्म की फ़ी क्या रहने वाली है, फुल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे इस वीडियो में। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करें तो ये नोटिफिकेशन आज आउट किया गया है 15 ऑफ मई 2023 को, और इसके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे 17 ऑफ मई 2023 को। उसके बाद इसके लास्ट डेट रहने वाले हैं 16 ऑफ जून 2023 को। और इसके जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी पे स्केल लेवल की, लेवल 10 की ये पोस्टें रहने वाली हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो गाइज, यहाँ पे बात करें तो जूलॉजी की यहाँ पे हम बात करें तो टोटल यहाँ पे 16 वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज इनको यहाँ पे डिवाइड किया गया है, आप यहाँ पे इनको चेक कर सकते हो। मैथमेटिक्स की बात करें तो 10 वैकेंसीज यहाँ पे रहने वाली हैं टोटल जो। उसके बाद इंग्लिश की यहाँ पे हैं 27, देन यहाँ पे बात करें तो बॉटनी की 19, केमिस्ट्री की यहाँ पे 27, साइकोलॉजी की यहाँ पे 4, इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ पे 5 है, इकोनॉमिक्स की यहाँ पे 8 है, सोशियोलॉजी की यहाँ पे 2 है, फिजिक्स की यहाँ पे 28, पॉलिटिकल साइंस की 8, स्टैटिस्टिक्स की यहाँ पे 3 है, जियोलॉजी की यहाँ पे 8 है, एजुकेशन की यहाँ पे 4 है, कॉमर्स की यहाँ पे 14, हिस्ट्री की यहाँ पे 4, उर्दू की यहाँ पे 4, म्यूजिक की यहाँ पे 3, पर्शियन की यहाँ पे 3, होम साइंस की यहाँ पे 4, फिलासफी की यहाँ पे 1 वैकेंसी है, अरबी की 7, बीबीए की 1, जियोग्राफी की 3, हिंदी की 2, पंजाबी की 2, बायोटेक्नोलॉजी की यहाँ पे 1, इस्लामिक स्टडीज़ की यहाँ पे 3, मास कम्युनिकेशन की यहाँ पे 1, बायोकेमिस्ट्री की यहाँ पे 2, एंथ्रोपोलॉजी की यहाँ पे 6, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री की यहाँ पे 8, न्यूट्रिशन की यहाँ पे 1, सोशल वर्क की यहाँ पे 1, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पे 2, वाटर मैनेजमेंट की यहाँ पे 2, कश्मीरी की यहाँ पे 23, हॉस्पिटलिटी एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी की यहाँ पे 11, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की यहाँ पे 21, हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी की यहाँ पे 16, वेटनरी टेक्नोलॉजी की यहाँ पे 21, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग की यहाँ पे 13, अर्ली चाइल्डहुड एंड टीचर एजुकेशन वेलनेस एंड की यहाँ पे हैं 14, मास कम्युनिकेशन की यहाँ पे 3, फूड टेक्नोलॉजी की यहाँ पे 15, अकाउंटेंसी की एंड टैक्सेशन की यहाँ बैंकिंग की यहाँ पे 13, फाइन आर्ट्स एंड म्यूजिक लैंग्वेज की यहाँ पे 16, फैशन टेक्नोलॉजी की यहाँ पे 2, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट की यहाँ पे 1, कंपनी सेक्रेटरी की यहाँ पे 2, कॉस्ट अकाउंटिंग की यहाँ पे 2, रेन्यूएबल एनर्जी की यहाँ पे 2 पोस्ट हैं, रिटेल मैनेजर की यहाँ पे जो वो 1 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली हैं। टोटल नंबर की पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 420 पोस्ट यहाँ पे टोटल रहने वाली हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास यहाँ पे मास्टर डिग्री होनी चाहिए जिस भी सब्जेक्ट में आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, उसके बाद यहाँ पे आपके पास नेट एंड सेट जो है वो इन दोनों में से एक होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर जो कैंडिडेट्स जिन्होंने नेट सेट नहीं किया हुआ, वो कैंडिडेट्स जहाँ अगर पीएचडी उन्होंने की हुई है तो उनको जो है वो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पीएचडी नहीं की है, अगर उन्होंने नेट सेट यहाँ पे क्वालिफाई किया हुआ है, तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं जिस भी सब्जेक्ट में उनको फॉर्म अपना फिल करना है, जिस सब्जेक्ट में उन्होंने पीजी की हुई है। यहाँ पे हम बात करें तो आपके जो मार्क्स रहने वाले हैं जनरल कैटेगरी के लिए 55 मार्क्स आपके पास आने चाहिए पीजी में, देन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो देन आपके पास जो है वो 50% मार्क्स होने चाहिए एससी एसटी कैटेगरी के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें तो असिस्टेंट म्यूजिक की यहाँ पे अलग से बताई गई है, यहाँ पे मैंने आपको बताया जो, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे चेक कर सकते हो इसको, डिटेल नोटिफिकेशन जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जेकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे अदर्स यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन वगैरह बताई गई है, एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे जो है एज लिमिट बताई गई है जो 40 ईयर्स, एससी एसटी एएलसी की यहाँ पे 43 है, बीएससी की 42, इन सर्विस कैंडिडेट्स की 40, और यहाँ पे ये भी बताया गया है अब आगे जहाँ पे कि आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दी जानी है। देन यहाँ पे हम बात करें तो फ़ी की तो 1000 रुपीज़ आपकी फ़ी रहने वाली है, और रिजर्व कैटेगरी की 500 रुपया, और फिजिकल हैंडीकैप्स की यहाँ पे कोई भी फ़ी नहीं रहने वाली। तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, डेट ऑफ बर्थ, जन्म सर्टिफिकेट, पीजी डिग्री और नेट सेट की यहाँ पे जो आपने यहाँ पे किया हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें तो और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे और भी यहाँ पे निकाली गई हैं, ठीक है, आप यहाँ पे इसको भी चेक कर सकते हो। बाकी गाइस, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन के आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, 120
जो है वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बाकी आप यहाँ पे जो है वो डिटेल्स में चेक कर सकते हो। तो आपका फॉर्म जो है वो जम्मू एंड कश्मीर JKPSC की वेबसाइट NIC.in पे जो आपका फॉर्म फिल होगा। तो गाइज ये थी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो यहाँ पे JKPSC की न्यू पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है असिस्टेंट प्रोफेसर की। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं वो अपना फॉर्म जरूर अप्लाई करें। ये थी आज की बिग अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको यहाँ पे मेरे चैनल पे हर एक अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाती है, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।